जी सलाम अलैकुम, नया दिन के व्यूज के साथ फहीम मलिक एंड बाबा मलिक और आज हरीफा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि पहले तो थोड़ा सा उनको तारुफ करवा लिया जाए, तो उसके बाद जैसे हमारा हमेशा से फॉर्मेट है हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद आके आज हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर्स बैठी हुई हैं, उनसे कुछ बात करेंगे, उन्होंने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल किया। तो मैं चाहूंगा कि बाबर अगर आप इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर हरीफा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें, उसके बाद हम ब्रेक के बाद आते हैं। जी जा बाबर। जी मेरे लिए तो जी रिफा का इंट्रोडक्शन ये है कि हम तो कॉलेज में एक मतलब यूनिवर्सिटी हमारी एक ही थी, वहाँ से इकट्ठे ही जो है वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। मेरी जो कैरियर की डिमेंशन थी वो थोड़ा सा मुलाजमत की तरफ निकल गई, मैंने फिर उसके बाद कंसल्टेंसीज में आ गया, क्योंकि फार्मिंग करता रहा। लेकिन अरीफा कुछ चीज़ें हमारी कॉमन है, अरीफा ने भी यूएसएड के प्रोजेक्ट्स पे मेरे साथ काम किया है इन द पास्ट। लेकिन अरीफा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जिस नाम से ये आज जानी जाती है, वो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप है। इसने बिल्कुल ग्राउंड अप से, जीरो से जो है अपना एक कारोबार यहाँ पाकिस्तान में स्टेब्लिश किया है और अब उसको बड़ी कामयाबी से चला रही है। तो वो एक एक कामयाब वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पे मैं अब लोग इसको जानते हैं, मैं तो बाद में इसको और बड़े रेफरेंसेस से जानता हूँ, बीइंग अ ओल्ड, हम लोग एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि हम यूएसएड के भी प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो खास तौर पे रिफा की स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि ये वहाँ पे भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो पाकिस्तान में हैं उनको सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती थी कि वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग करके कैसे आगे लेकर चल सकते। तो ये मेरी नज़र में रिफा का इंट्रोडक्शन है। आई थिंक ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन तो रिफा अपना खुद ही करवा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बाबर। नहीं आवाज नहीं आ रही म्यूट पे, जी जी अब आवाज आ रही है। तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में अच्छी बात की। हम यकीनन एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं और बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का जो मुझे आप नया दिन ने दी है और मलिक साहब जो हैं उन्होंने दी है। मेरा तारुफ सबसे पहले तो ये है कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, जब हमारा सिलसिला शुरू होता है उसमें हम पढ़ रहे थे और पढ़ाई के दौरान हम मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे, बाबर और हम इकट्ठे थे वहाँ पे। अक्सर बात है लेट 90s की, अर्ली 2000s की जो मैं कह रही हूँ, उसमें मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो थे वो सर्विसेज सेक्टर और प्रोडक्ट सेक्टर की एग्जांपल्स दिया करते थे कि आप मार्केटिंग ऐसे कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट ऐसे कर सकते हैं, अक्सर वो एग्जांपल्स देते थे प्रोडक्ट्स की। और मेरे जहन में हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि सर्विसेज जब लिखा हुआ है लेकिन सर्विसेज के कोई एग्जाम्पल नहीं होता और उसके बेचारे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में कोई हाईलाइट नहीं करता। एट द सेम टाइम माई फादर अल्हम्दुलिल्लाह इज एन इंजीनियर और उनकी एक अपनी फर्म है जो वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट सेक्टर में 70s से हिस्सा ले रहे हैं। तो उसमें मुझे होता था कि मेरे फादर अगर ये प्रॉब्लम मेरे फादर को आए जो मार्केटिंग की हमारी टीचर डिस्कस करे या मैनेजमेंट की, तो वो कैसे इसको करेंगे। तो मेरे जहन में और टीचर के जहन में या एक हम लोग एक जगह पर जाके वो डिलेमा में फंस जाते थे। तो मेरी व्हेन आई वाज गेटिंग एजुकेशन तो मुझे यही कि ये एक कमी है हमारे उसमें कि सर्विसेज मार्केटिंग के ऊपर या सर्विसेज मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं हुआ है इन एक्चुअल सेंस। सो दैट टुक मी टू द सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑल सच पीपल जो के प्रोडक्ट नहीं बेच रहे बट अपनी सर्विस बेच रहे हैं या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन है। सो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मेरा एक दिमाग का एक ऑटोमेटिकली वो स्विच लगा हुआ था उस तरफ, गियर लगा हुआ था। और इंटेंशली मेरा जो फर्स्ट फील्ड थी वो मैंने ब्रोकरेज हाउस में काम किया, विच वॉज जस्ट अ ब्रेक थ्रू। जब आप कहते हो कि यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, दैट वॉज द फर्स्ट गुड अपॉर्चुनिटी दैट केम टू मी। तो उसमें मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग की बड़ी अच्छी तालीम मिली, बड़े अच्छे लोगों से, बाहर के लोगों से, इंटरनेशनल कंसल्टेंट से। और उसके साथ साथ वहाँ पे भी सर्विस थी, आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं थी, आपने लोगों को ये बताना था कि आप पैसा उनको कमा के दे रहे और आपका एक डॉलर जो है वो $20 लेके आएगा वापस, आइदर इन कमोडिटी मार्केट में या आपकी इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हैं। सो वहाँ से मेरी वो अमली तरबियत जो है ना वो शुरू हुई। लेटर ऑन ऑब्वियसली पैसा मेरा कभी भी नहीं गोल रहा और पैशन हमेशा मेरा किसी और तरफ ही रहा है, सो वो मुझे फुलफिल नहीं कर पाया।
सो मैं फिर हमारे एक उस्ताद थे प्रोफेसर इकबाल अहम खान साहब, मरहूम, फौत हो गए हैं कुछ साल पहले। उन्होंने मुझे, आप समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से देन थी कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। मुझे फैक्ट्स आई कि आपकी ज़रूरत है। हम कॉलेज टाइम में उनके साथ काम करते रहते, तो मैं उनके साथ गई और उन्होंने मुझे फिर एज अ अप्रेंटिस अपने इंस्टीट्यूट में, जो उनका एक इदारा था जिसमें वो इस्लामिक बैंकिंग पे भी काम कर रहे थे, जिसमें वो SMEs पे, उन्होंने किताब भी लिखी हुई है उस पर काम कर रहे थे। तो मेरी ओरिएंटेशन वहां से शुरू हुई और वो ऑन्टरप्रेन्योरशिप करते थे 2000 के अंदर और 97-98 में, तो जो यहाँ पे नहीं समझ आती थी। तो अल्टीमेटली आई लैंडेड अप इन हिज क्या कहते हैं, छत्तर छाया, और उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो अनकन्वेंशनल था, जो कि हमारे यहाँ निसाब में नहीं मिलता, करिकुलम में नहीं है। हम लोगों ने बड़े ऑड्स के अंदर काम किया। हमने वुमेन चेंबर्स के साथ, सर की सुपरविजन में हमने वुमेन चेंबर्स, तब मुशर्रफ साहब आए थे और उन्होंने वुमेन चेंबर्स का एक डायरेक्टिव इशू किया था कि हर चेंबर के अंदर एक वुमेन चेंबर भी बनेगा। उसकी एक डाक बेल डाली और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द कंसल्टेंट्स जिनकी सस्टेनेबिलिटी कैसे उसने बनानी है, उसमें हम लोग शामिल थे। उनका बिजनेस प्लान बनाना, ये सब मैंने उनसे सीखा है। फिर आपने सूद के बगैर या एक बिजनेस जो है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे चलेगा, वो अपनी जनरेशन कैसे करेगा, वो मैंने वहां से सीखा। और अल्टीमेटली ये काम कर रही थी तो यूरोपियन यूनियन कमीशन का एक प्रोग्राम था, उसमें वो कुछ ऐसे लोग ढूंढ रहे थे जो SME पे ही काम करते, ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे थे। तो क्योंकि हमें एंटरप्रेन्योरशिप तो बचपन से, जैसे कहते हैं कि कुछ कुछ वालिद साहब की तरफ से थे, कुछ मेरी नानी भी इसी तरह की खातून है, जो कि अब हम आगे मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक बॉक्स जो मेरा ब्रांड है और रीव्स ऑर्गेनिक बॉक्स के नाम से, वो मेरी नानी की इंस्पिरेशन से आगे बढ़ा है और हमारे दादा, जब हमारी ट्रेडिशन से आगे बढ़ा है। तो उसके अंदर फिर उन्होंने ऐसी खवातीन ढूंढी और ऐसी कंपनियां ढूंढी जिसके अंदर वुमेन आर मेजर शेयर होल्डर्स, उनको वो ट्रेन करना चाहते थे यूरोपियन यूनियन वाले, कमीशन वाले, कि वो उन और आगे और वो तालीम जो वो हमें देंगे, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप थी, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, जिसमें फिजिबिलिटी लिखना सिखाना था, इट वॉज अ 1 ईयर एक्सटेंसिव कोर्स, और उसमें हमने किया। और बाहर से भी कंसल्टेंट्स आए एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली 90, ये बात है 2005 की जब शुरू हुआ था, और 2006 में हमारा कंप्लीट हुआ जनवरी में, एंड वी वर अवार्डेड, आई एम द ओनली BDSP बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर फॉर SMEs इन पाकिस्तान। दो कंपनियां सेलेक्ट हुई थी, एक कंपनी मेरी थी उस वक्त, उसका नाम था ऑक्टेगॉन बिजनेस कंसल्टिंग, एंड उसमें मैं वाहिद खातून हूँ और बाकी सारे हमारे साथ 7 मर्द थे, 8वीं मैं थी। तो आई डोंट नो वेयर दे आर नाउ, ऑल दोज पीपल वर्किंग इन KP के और इन सेंट, बट नॉर्थ साइड से हमारी कंपनी है। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग ऑन दोज लाइंस। दैट्स हाउ आई वाज पुश्ड इनटू दिस। कुछ अपना इंटेंशन था, कुछ अल्लाह की तरफ से बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ उस्तादों ने बहुत गाइडेंस की, अल्लाह उनको मेरी के रहमत करे। तो अब हम उसी लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं और हमने मैंने 30 के करीब ब्रांड बनाए हैं अपनी उसी तालीम को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें खवातीन के ब्रांड्स हैं मोस्टली, और उसमें जाहिर बात है मेजर स्टेक होल्डर वुमेन है, लेकिन कोई ना कोई मर्द, उनका भाई, बेटा या हस्बैंड या वालिद उनके, मतलब उसमें है शामिल, या वैसे ही कोई उनके पार्टनर्स हैं, हम सब एज इन्वेस्टर्स रहे हैं। तो उसमें डिज़ाइनर से लेके, होटल इंडस्ट्री से लेके, इवेंट मैनेजर्स से लेके, कोरियर कंपनी भी एक खातून की थी, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब डाइवर्स एक प्लेटफॉर्म था। और उसमें हमने फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की, उसको कहते हैं ग्रांट आई थी, जो बाबर जानते हैं कि SME बिजनेस सपोर्ट फंड के थ्रू आई थी, उसके अंदर हम लोगों ने उनको काफ़ी बिजनेस प्लान भी लिख के दिए, बिकॉज इंटरनेशनल अदारों का ये ज़रूरत होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान हो। तो वो लिखने वाले लोग मौजूद नहीं थे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो तालीम मिली हुई थी, एंड वी वर देयर एट द राइट टाइम फॉर देम। तो हम लोगों ने वो लिखा और उनको वो वाली जबान जो नहीं आती थी एक पाकिस्तानी कॉमन औरत को, वो हमें, हमने वो जबान, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ वुमन, मैं उनको ज़्यादा रिलेट कर पाती थी उनके मजबूरियों को, कि उनके पास पर्चियाँ नहीं होंगी, उनके पास वो चीज़ें नहीं होंगी जो उनको बाद में प्रूव करनी है, दिखानी है।
तो हम लोगों ने उनको वो सिस्टमेटिक किया और हमने उसको कंबाइन करके उनको रिपोर्ट के फॉर्मेट में पहले हमने सबमिट किया, वो अप्रूव हुई, उनको ग्रांट्स मिली और उन्होंने अपने बिजनेसेस को बहुत अच्छी तरीके से एक लेवल पे लेके गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, आगे हम बात करते रहेंगे जिनमें से कुछ ब्रांड्स। तो इस वक्त लाजवंती भी उनमें से एक ब्रांड है, उसने भी बेल किया था। उसके अलावा निकी नीना थी, उनके उन्होंने भी अवेल किया था। निकी नीना बड़ी मशहूर डिजाइनर्स हैं, आपको पता है, औरतों तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं, वर्ल्ड शो और फैशन शो करती हैं, तो बहुत सारे बड़े नाम हैं उसके अंदर। तो उसके बाद हमारी जो जर्नी है वो आपने जैसे बाबर ने भी जिक्र किया, आपने भी किया, इसी तजर्बे की बेसिस पे USAID ने एक उनका प्रोग्राम था फर्म्स का केमोनिक्स के इंटरनेशनल के साथ, और उसमें वो SME के ऊपर ही सेक्टर्स पे काम कर रहे थे जिसमें बाबर भी थे एज एक्सपर्ट। ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने तो ज़्यादा ये जैसे ऑन द गो तालीम हासिल की है, जैसे कहते हैं अनकन्वेंशनल तालीम हासिल की है इन्होंने, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो ये हमारे टीम लीड भी रहे हैं उसमें और हमें इन्होंने गाइडेंस भी दिया है। तो हमें वहाँ पर मौका मिला कि हम पॉलिसी मेकिंग कर सकें उन अदारों और उन सेक्टर्स के लिए, हुकूमत पाकिस्तान और USAID की तरफ से फंडिंग थी और हुकूमत पाकिस्तान को हम फैसिलिटेट कर सकें फॉर दिस पर्पस, कि वो SME सेक्टर के अंदर और फिर बीइंग अ वुमन एंड देन उसमें जेंडर का बहुत एक फैक्टर था कि जेंडर इंटेग्रिटी जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो आपकी थ्रू आउट नज़र आनी चाहिए। 25% खवातीन जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का हिस्सा है लेकिन आप अगली ट्रांजिशन है जो मेरी नजर में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक कंसल्टेंट के साथ साथ आप एक एंटरप्रेन्योर भी अपनी भी एक कंपनी चला रही है, क्योंकि रिफा आजम जिस तरीके से अपना बता रही थी तो मैंने कहा इनको बताने दें। हालांकि हमारे जहन में था कि जहां जहां इनको मुश्किलात आई इनकी जर्नी वहां से शुरू की जाए, तो इन्होंने खासी डिटेल बता दी, ओबीसी USAID के हवाले से भी बता दिया और क्या क्या इनकी अचीवमेंट है, तो उस पर मैं रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। इनिशली जो अभी तक गुफ्तगू मुझे समझ आई है, ओबियसली आपने खुद भी अपना एक बिजनेस शुरू किया है, आपने एक बात की तो उसमें से थोड़ा सा आपने कहा कि जी एंटरप्रेन्योर्स की जब बात होती है तो आपको आपकी गुफ्तगू में लगा कि कहीं आपको अंदाजा नहीं था कि वो क्या है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के कन्फ्यूजन में शिकार रहते हैं, तो थोड़ा सा वो बताएं कि क्या था, क्योंकि आप लोगों ने एजुकेशन हासिल की और माशाल्लाह आप सब लोग जो आपके कोलीग हैं एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान में इस तरह के जैसे बाबर हैं आप हैं और भी कई आपके कोलीग होंगे जो एक अच्छा काम कर रहे हैं जैसे आपने जिक्र किया, तो आपको कंफ्यूजन क्या था ताकि अगर वो कंफ्यूजन क्लियर करेंगे तो व्यूअर्स के से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जी बाबर वैसे ज्यादा अच्छा इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुझे पहले रिस्पॉन्स जब कहा है तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए उस जमाने में जो हमारे थे बिल्कुल नया था, हम इस्तेमाल नहीं करते थे ज्यादा तौर पर, ये बिजनेस पर्सन बिजनेस मैन बिजनेस वुमेन और वुमेन को भी बिजनेस मैन कहा जाता था उस समय, तो ये काफी रेवोल्यूशन आई। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेसिकली इसको मैंने इस तरह डिवाइड समझा है कि इसके अंदर यू एंटर, बिकॉज आप अगर इसके स्पेलिंग देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप यू एंटर एंड देन यू एंड देन यू पुट इन योर एफर्ट्स एंड योर मुश्किल को करते हैं देन यू शिफ्ट योरसेल्फ, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही होता है कि आप अपना सब कुछ एक अपना प्रोडक्ट में या किसी सर्विस में डाल के अपने आप को अपने पैशन को अपने तजर्बे को अपने शौक को आप उसको एक डब्बा उसका बनाते हैं बड़ा खूबसूरत सा। अब वो अगर कोई प्रोडक्ट हो तो वो प्रोडक्ट की शक्ल में नजर आता है, अगर वो सर्विस हो तो वो आपकी इमेजिनरी होता है, यू हैव टू मेक अदर पीपल बिलीव कि ये वहां पे एग्जिस्ट करता है, तो वो उसको जब खरीदता है यू शिप इट, तो वो आप एक हर एक के दरवाजे पे हर एक के दिल पे दस्तक देते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप है सर, जो इसको पैशन से कर लेता है वो जीत जाता है, जो इसमें कहीं पे उसका मसाला कहीं कम रह जाता है उसको वहाँ और मेहनत की जरूरत है, फेलियर तो कोई भी नहीं होता एंटरप्रेन्योरशिप में, जो एंटरप्रेन्योर कोई भी फेल नहीं होता, अच्छा, बाद वो जी जी मैं यही सवाल बाबा से करूंगा थोड़ा सा ऐड करते हुए, जैसे आपने कहा ना बाज दफा ना कुछ
टर्मिनोलॉजी होती है जिसको लोग बड़ा फैंटेसाइज करते हैं वेडिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप। मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत ही तगड़ा जबरदस्त कारोबार करते हुए, जिनकी एजुकेशन या इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बड़े सक्सेसफुल थे। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जब आप किसी फील्ड में एक स्पेशलाइज करते हैं तो आपके पास एक एज हो जाता है जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट को आप बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे कैसे चीजें हो रही हैं। दूसरा यह है कि जैसे हरीफा ने अभी कहा कि बहुत सारी खवातीन, अगर आप उनसे वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कराएं तो शायद दे कुड नॉट डू इट, बट दे मस्ट बी वेरी गुड इन देयर वर्क। तो बाबर, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मैं थोड़ा सा और एंगल से इस चीज को देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर में तो आप दोनों एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो मैं आप दोनों से सवाल करूँ। जी, मेरी मेरी आई थिंक जो अरीफा ने बात की है वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ी नहीं, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से पूरी बात बयान कर ली है। ऑल दो आम तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप की जो लफ्ज़ है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो इस्तेमाल की जाए, आम तौर पे अंडरस्टैंडिंग है कि हर बिजनेस मैन ही एक एंटरप्रेन्योर है। ये मेरी राय इस पर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं हर बिजनेस मैन को एंटरप्रेन्योर नहीं समझता। वो बिजनेस मैन जो एक बड़े जज्बे, एक बड़े पैशन के साथ एक नया माइलस्टोन अचीव करने के लिए, या अगर वो एक नया बिजनेसमैन है तो उस नए बिजनेस को खड़ा करके एक खास डायरेक्शन में इनोवेशन के साथ वहाँ लेके जाने वाला इंसान हो तो उसको एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, या कोई अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको भी एक नई ग्रोथ, एक नई डायमेंशन, एक नई इनोवेशन देने वाले इंसान को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो शायद मेरी राय में वो बंदा जो आज से 100, जिसके अब्बा जी भी दुकान पर बैठते थे, वो भी दुकान पे बैठते हैं वैसे ही कारोबार कर रहे हैं जैसे अब्बा जी 50 साल 60 साल पहले करते थे, वो बिजनेसमैन तो है, वो आप उससे नहीं ले सकते, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरियल नहीं है। उसमें आगे बढ़ने का पैशन, जज्बा, वो चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये अरीफा वाली ही बात को मैंने अपने लफ्जों में बयान किया है। ऑब्वियसली जब आप थ्योरी के अंदर जाते हैं तो फिर वो डेफिनेशन तो बहुत सारी है, लेकिन मेरी राय में मेरी डेफिनेशन मोर ऑर लेस अरीफा के साथ अलाइन ही है कि जिसमें अपना जज्बा आगे बढ़ेगा। बाबर ने बड़ी ये मैं सिर्फ एक मिनट के लिए अरीफा, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी बाबर, आप इस तरह कीजिए कि आप, क्योंकि आपको हमारी आवाज कम नजर आ रही थी तो आपने, मुझे लगता है कि अपनी लिसनिंग वॉल्यूम ज्यादा किया, वो उसका बैकलॉग आ रहा है। जब आप गुफ्तगू करते हैं तो पीछे से आपका बैकलॉग आ रहा है, थोड़ा सा अपनी लिसनिंग वॉल्यूम कम कर लें ताकि वो ना आए। ठीक है अरीफा, आप बात करें। मैं ये कि बाबर की बात को कह रही हूँ कि देखिए अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेलिंग देखें ना तो इसमें एक वर्ड आता है NEU, एंड आप कहते हैं एंटर, ENTRTER, और फिर प्री, प्री का समझ लेंगे जो पहले आप उसकी वर्किंग करते हैं, और उसमें बाद में बाबर ने जो बात की ना न्यूरशिप, तो वो न्यू जो है ना वो जर्मन में और उस वाली जबान में न्यू को ही कहते हैं। तो वो एक नया, जब तक नॉवल आइडिया नहीं होता, जो बाप दादा की बात करें, मैं एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैं पढ़ाती भी थोड़ा सा रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो आसानी से समझाने के लिए मैं उनको ये बताती थी कि फज्जे के पाए या फीके की लस्सी हमेशा से थी, लेकिन उसको आपने आज के मॉडर्न बच्चे को कैसे बेचना है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप प्ले करती है रोल। मेरा जो ब्रांड है ऑर्गेनिक बॉग, मेरी वालदा या दादी या आपकी वालदा या दादी, आपने पंजीरियों का लफ्ज सुना होगा, माए अपने बच्चियों को देती थी, और इस तरह के लफ्ज हमने बड़े सुने हैं, खासतौर पे साग मकई की रोटी, ये हमारी ट्रेडिशन है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की, एक कल्चर है। बट इसको आप नॉवल तरीके से पैक करके अगले बंदे के डोर स्टेप पे कैसे पहुंचाते हैं, ये बन जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे बना देते हैं एंटरप्रेन्योर, लेकिन अगर एक औरत तो वही कपड़े जो हमेशा से हमारी माएँ और हमारी खालाएं और हमारी दादियां वही फ्रॉक बच्चों के सीती आ रही हैं, वही अपने टेबल क्लॉथ सीती आ रही हैं, वही दसूती से टाके काट काट रही हैं और जहेज पूरे पूरे तैयार कर रही हैं, बट वही औरत जब उसको आजकल के ज़माने में एक, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, जब तक वो अपनी एक स्पेशल लाइन एंड लेंथ और वो पिच नहीं रखेगी, वो एक उसको दूसरे के दिल तक पहुंचने के लिए वो नयापन नहीं देगी, वो कामयाबी उसको पैसा नहीं कमा सकती, उसको बेच नहीं सकती, और उस सारे फिनोमिना को जैसा बाबर ने कहा कि न्यूनेस, इनोवेशन, उसको तरीके के साथ करना, उसको पैशन उसमें डालना इज एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक ये ठीक मैं वापस ये बात आपने अच्छा किया, आप दोनों ने एक्सप्लेन कर दिया। मैं थोड़ा सा, मेरे मकसद यही होती है कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, अगर किसी को नहीं समझ आ रही, तो मेरी आदत है कि मैं कोई ना कोई क्वेश्चन इंस्टिगेट करता हूँ। आप दोनों ने, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है एक्सपर्ट ओपिनियन, तो आज मेरे साथ दो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो मैंने कोशिश यही की कि थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लें। अच्छा, हम बिल्कुल इस तरफ आएंगे। जो मुझे ऑफ स्टूडियो पता लगा है कि माशाल्लाह आप एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस रन कर रही हैं, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसके ऊपर हम आगे चलते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि बीन ओवरसीज पाकिस्तानी मैसेल, और क्योंकि अभी हम यूके बेस्ड हैं, लेकिन जितने भी ओवरसीज पूरे यूरोप में बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि पाकिस्तान में लोग जाके इन्वेस्टमेंट करें, और अभी आने वाले दिनों में गवर्नमेंटों ने चीजें बहुत सारी ईज की हैं, और चीजें ईज करने जा रहे हैं। उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप जैसे एक्सपर्ट लोग भी मौजूद हैं, और विल भी है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी, क्योंकि पीछे हमने कुछ प्रोग्राम किए, पता नहीं आपने देखे या नहीं देखे, हॉर्टिकल्चर के बारे में बाबर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता था, एक मिथ बनी हुई थी कि जो बंदा उठता था वो कहता था पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ले लो, कोई प्लॉट ले लो, कोई इस तरह की, हालांकि क्योंकि वो एक नॉर्म सी बनी हुई थी। जबकि बहुत सारे और बिजनेस है, जैसे आप भी बिजनेस वुमेन हैं, आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी रिटर्न भी अच्छी है, और शायद प्रॉपर्टी की तरह इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आपको करने की जरूरत नहीं है। उसमें ऑब्वियसली बड़े प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिथ थी कि जी बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म है। तो पिछली दफा बाबर के साथ मैं हमेशा यही बात करता हूँ, अब आप एक और पर्सन है जो प्रोफेशनली काम कर रही हैं, आप ये बताएं कि वो वाकई मिथ है या वाकई उसमें कुछ हकीकत है, या अभी आने वाली गवर्नमेंट या चाहे पिछली गवर्नमेंटों ने भी कोशिश की है कि इसको खत्म किया जाए। थोड़ा सा आप बताइए बाबर से, तो मैं ये बात कर चुका हूँ। सर इसमें बड़ा, पहले तो ऑनेस्ट ओपिनियन, छोटा सा ओपिनियन है कि मुझे तो रेड टेपिज्म में नजर नहीं आया। मुझे कभी ऐसा नहीं, मुझे कोई चीज, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूंगी कि जब भी कभी हमने कोई गवर्नमेंट के साथ हमारा वास्ता पड़ा है या सेमी गवर्नमेंट के साथ पड़ा है, तो दे ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल, चाहे वो चेंबर की सूरत हो या वो मिनिस्ट्रीज हो या वो कोई भी किसी लेवल के ऊपर शख्स हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी चाहे हो। आपने मेरे ब्रांड का जिक्र किया, ऑर्गेनिक बॉक्स का, रीव्स ऑर्गेनिक बॉक्स है। जी 2013 दिसंबर में हमने इसको लॉन्च किया था, और इसके पीछे यही सारा कुछ था कि हमारे पास अपने फार्म्स थे। पार्टीशन से पहले हम यहाँ रिनालापुर में सेटल्ड थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ही वॉज वेटनरी डॉक्टर, एंड तो हम लोग यहाँ पर ही सेटल हुए, हमारी जमीनें भी थी। तो डॉक्टर सर, हम लोगों ने जब इसको, मैंने मेरा जर्नी जो रीव्स ऑर्गेनिक बॉक्स का, जो रेड टेपिज्म की भी आप बात करें, वो इसी तरह से शुरू हुआ कि मैं कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी बैंकॉक में, एग्रीकल्चर की ही, तो वहां जाके एहसास हुआ, दुनिया पूरी कह रही थी कि जी वापस एग्रीकल्चर की तरफ आए, क्योंकि ज्यादातर पे लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स में चले गए हैं और अब कल्टिवेशन कम होती जा रही है, सही और फूड उगाने वाले लोग नहीं है, और इधर हम बैठे हुए लोगों के ब्रांड बना रहे थे, और हम लोगों को कन्विंस करते थे कि ये पॉसिबल है। वो कहते थे, जिस तरह आपने बात की कि रेड टेपिज्म है, ये तो हो नहीं सकता, ये पैसे की जरूरत है, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर उस दिन मैंने वहां बैठ के ठानी बैंकॉक में कि नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगी कि फर्स्ट आई डू इट, आई हैव इट एंड आई डू इट। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से आगे मेरे हस्बैंड, बाद में मेरी शादी हुई और मेरी उससे पहले वालदा, उन्होंने इसकी दाग बेल मेरे साथ रखी, और हमें, आप बिलीव करें सर, कि मैं ऑलरेडी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेस भी है, अपनी जॉब भी थी, अपना थोड़ा बहुत सरमाया भी था, बट मैंने अपनी पॉकेट मनी जो थी, जो मैं अपने लिए रखती थी, जो कि 20-25 हज़ार रुपया एक लगी बंदी इनकम थी, मैंने उसमें वादा किया था कि मैं इसमें ही करूंगी, और उसी के अंदर ही मैंने इस ब्रांड की दाग बेल डाली, और उसमें कोई रेड टेपिज्म नहीं था, ऑर्गेनिक था, प्योर था, पैकेजिंग थी, टेस्टिंग्स आई उसके अंदर, PCSIR की तरफ से भी आई, फिर हम जो हमारी लोकल नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमारी बड़ी मदद की,
उन्होंने हमें कोर्सेज कराए, ट्रेनिंग्स कराई और उन्होंने हमें बहुत मौके दिए, कोई हमें ऐसी बात नजर नहीं आई, कुछ नहीं मिला। हाँ एक बात जरूर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है तो सिचुएशंस बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है, दुनिया की प्रॉब्लम्स बदल जाती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बदल जाती हैं, हमारे क्लाइंट्स की नीड्स बदल जाती हैं। तो हम जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने शीशे के जार्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक का तो पूरा मकसद ही है ना कि प्लास्टिक से उसको दूर रखा जाए और उसका प्लास्टिक के अंदर उसका ना, तो हम लोग जब डिलीवरी मॉडल में आए, होम डिलीवरी में, तो वो शीशे के जार्स जो थे वो टूट जाते थे आइदर रिसीविंग के अंदर या कैरेज में। पाकिस्तान में सप्लाई चेन इतनी अभी उस वक्त और अब खास, अब तो फिर भी थोड़े बहुत सोल्यूशन अच्छे आ गए, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत कोई अच्छा कैरियर नहीं था हमारे पास। सही। तो फिर हमने उसको तो जार्स में लेके आए, तो अब वो जब हमने एक्वायर किए तो उसमें फूड ग्रेड जार्स, उस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी वॉज नॉट मेड, उस वक्त नहीं थी, उसके बाद आई है, तो उसमें फिर उन्होंने आके ग्रेडेशन दी हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने जो कुछ भी किया है, जब भी किया है, वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने छापे पड़े हैं, इतने मिर्च मसालों वालों को पकड़ा है, इतने अचारों वालों को पकड़ा है, इतने मुरब्बों वालों को पकड़ा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, क्योंकि हमारी भी नीयत साफ थी, हमें कभी ना कोई इस तरह की चीज़ को कोई प्रॉब्लम हुई है, और ना कभी हमने किया, देसी घी भी हम बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म्स हैं पीछे, पूरी चीज है, तो हमें ना कभी आके उधर किसी ऑफिसर ने कोई तंग किया है, ना हमने कभी किसी को पैसे दिए हैं, ना हमने किसी को कहा है, सिफारिश करवाई है, तो लेकिन हम हर कॉन्फ्रेंस में भी जाते रहे हैं, मुझे इसी ब्रांड की बेसिस के ऊपर इंटरनेशनली लोग बुलाते भी रहे हैं एज अ की पर्सन, और पाकिस्तान में भी जी बहुत हर जगह गवर्नमेंट ने हाथों हाथ लिया, बींग अ वुमन एंटरप्रेन्योर एज वेल एज एग्री बिजनेस में काम कर रही है, तो हमें तो सर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। लोगों को आती है प्रॉब्लम, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए होती है, उसके कोई ना कोई सॉल्यूशंस होते हैं। मैं एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं, ये अल्फा ने यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी और छापों से रिलेटेड बात की, ये थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि जो आपके वहाँ पे लोग बैठे हैं वो शायद थोड़ा सा इससे खौफजदा हो गए। ये पंजाब फूड अथॉरिटी एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है जो कि फूड की सिक्योरिटी को इंसानों के खाने के लिए, कंज्यूमर्स के खाने के लिए इंश्योर करता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे बिजनेसेस क्रॉप अप कर गए थे जो बिल्कुल खाने के मामलात में भी जो है ना वो साफ सुथराई का ध्यान नहीं रखते थे, उनके किचन में चूहे फिर रहे होते थे, ये बड़े प्रॉब्लम थे, क्योंकि वो किचन पीछे होता था, सामने नजर नहीं आता था, तो पीछे पुराना गोश्त रखा हुआ है, इस किस्म के मसले मसाइल थे। तो जिन बिजनेसेस ने फूड की क्वालिटी ठीक नहीं थी या जिन्हें हम काली भेड़े कह सकते हैं, उनको ठीक करने के हवाले से ये कुछ एक एक्शन वो लेते थे, आज भी लेते हैं, लेकिन जो कारोबारी लोग जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, फूड की क्वालिटी को मेनटेन कर रहे हैं, उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई तंगी नहीं है, बल्कि उनके लिए बेहतर है कि उन वो जो काली भेड़े हैं जो उनका नाम भी खराब करती हैं, ये पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ये उनको अपनी उनकी प्रॉपर लाइन पर लाने के लिए जो है ना वो एक्शन लेती है। तो ये ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को खराब किया जा रहा है, ये सिर्फ काली पेड़ों को ये टारगेट करती है। तो ये अच्छा अरीफा, आपकी डिस्कशन से ना एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, थोड़ा सा प्लीज क्लियर करें कि आपके प्रोडक्ट्स क्या, आप करती क्या, मुझे मतलब वो बिल्कुल अरीफा को लेके आऊंगा, जो बाबर आपने भी की और अरीफा ने भी, मेरे जहन में एक सवाल है, मैं पहले जो अरीफा स्पेशली जो काम कर रही हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही हैं और बड़ा ऑर्गेनिक है, तो वहाँ पे मैं ये उसकी तरफ आगे आता हूँ। जो आपने बात की ना यूरोपियन बेस्ड, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ये टॉप प्रायोरिटी होती है कि आपकी प्रोडक्शन कैसे, यहाँ पे एक अदारा है जिसे कहते हैं ट्रेडिंग स्टैंडर्ड, उसकी सख्ती इतनी है कि मुझे याद है एक जमाने में बहुत अच्छा पहले मैं फ्रोजन फूड पे काम करता था, हिमालयन फ्रोजन फूड के नाम से, तो हम एशियन करीज क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लोग थे तो बड़ी तादाद में बेचते थे, तो नॉर्मली हम जो घरों में चपातीज नहीं बनाते तो वो चपातीज बना के बेचते होते थे। तो होता यह था कि आपको
जिपासी का पूरा वेट लिखना है, उसमें जो भी मटेरियल नमक जो भी है वो सब हीस्ट कितनी डालती है वो आपको बतानी होती है। तो हमने वो सारी उसकी करके की हुई थी। तो एक दिन ट्रेडिंग साइडिंग वाले वॉक इन, जब उन्होंने देखा तो चपातियां उन्होंने स्केल पे रखनी शुरू कर दी। हमारा 3 का पैकेट होता था कि करी के साथ 3 चपातियां जाएंगी। अच्छा, अब लकीली वो जितनी भी चपातियां थी वो सारी ही ओवरवेट थी। हमने लिखा हुआ था कि राउंड अबाउट 100 ग्राम 100 से 200 ग्राम, देवर मोर देन दैट, कम नहीं थी, मोर देन दैट। उन्होंने तकरीबन कोई 400 पैकेट उठाए, उनमें से उन्हें एक पैकेट मिला जो 2 ग्राम कम था। उसके ऊपर उन्होंने हमें फाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी आपका ये 2 ग्राम कर था, उसके ऊपर उन्होंने हमें 200 पाउंड फाइन किया कि जी इसका 2 ग्राम कम था, 100 पाउंड ग्राउंड। तो ये हमारे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है यूके, वो हमारे लिए तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग वैसे ही इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड चीज है यहाँ पे। जो बात मैं करने लगा था, अभी रिफा को बीच में लेके आते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली हाईली हाइजीनिक है, आपकी अपनी बैकिंग भी, आप ऑब्वियसली फार्मिंग ट्रेड से हैं तो आपको पास थोड़ी सी एज आ जाती है। तो क्या ये थोड़ा ज्यादा कॉस्टली नहीं हो जाता, एज इन अगर आप नॉर्मल मार्केट से कंपेयर करें, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए और उसके बारे में बताइए। सर पहले तो आप ये बताइए नॉर्मल मार्केट से क्या मुराद है, कि जो ऑलरेडी चीजें एग्जिस्टिंग इसी तरह की बिक रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी लोग काम कर रहे हैं, शायद वो भी अपने आप को ऑर्गेनिक कहते होंगे, लेकिन उनकी मुझे पता है कि पाकिस्तान में एक इस तरह का काम करने का तरीका ही नहीं है। जैसे भी बाबर ने जिक्र किया कि बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, पीछे उनका किचन जो है, देख के ऐसे ही लगता है कि भाई ये दुकान तोड़ के चले जाए तो कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह की बात है, लेकिन जाहिर बात है वो तो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन हाइजीन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, या हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, शायद वो भी है। और फिर दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी की बात है कि लोगों को बस जितने मर्जी पैसे कमा लो, वो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी स्किल्स है, तो उसकी तरफ तो खैर एक अलग बात हो जाएगी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, कहते हैं पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड, ठीक। तो ये एक ऑर्गेनिक हमारा ऑर्गेनिक बॉक्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और इस वक्त हमारे पास 40+ आइटम्स हैं, फार्म ग्रोन एंड फार्म प्रोड्यूस्ड, इसे वैल्यू एडेड भी हैं। तो ये अगर वेब हमारा फेसबुक पेज भी अगर कोई डिटेल में देखना चाहे तो हम वहाँ पे वो देख सकते हैं, लेकिन गिनी जो हमारी आइटम्स हैं जो लीडिंग है वो पंजीरी है, देसी मुर्गी है, अंडे देसी हैं, और उसके अलावा हम अचार भी बनाते हैं उसमें, उसके अलावा हमारे पास स्पेशल आटा है, 7 ग्रेन्स आटा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स जो बिल्कुल प्योर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ऑयल्स हैं, जैसे सरसों का तेल है, जैसे कोल्लू का बैल होता था उसका जो हम एक तेल, उसका एक तरीका था, उसमें अब सिर्फ फर्क यह हुआ है कि मैकेनाइजेशन में कि वो बैल जो है उसको थोड़ा मशीन ने रिप्लेस कर लिया है तो वो हो जाता है, लेकिन हम उसमें भी कोशिश ये करते हैं कि जहाँ आटा और वो चक्की हो तो जो सिले हैं उसकी जो सिल्स होती हैं वो स्टोन की ही हो, और उसकी ग्राइंडिंग जो है वो एक लेवल के ऊपर उसकी इंटेंसिटी ऑफ मशीन हो, ताकि उसकी जो प्योरिटी और ऑर्गेनिक जो उसकी कटिंग है वो उसके अंदर वो बिल्कुल इतना बारीक ना हो जाए कि उसकी गजाइत जो है नेचुरल गजाइत वो खत्म हो जाए। सही। तो जब भी हम ये बात करते हैं कि हम इसमें हम ये कर रहे हैं, तो अगर इनोवेशन आई भी है तो इस लेवल तक नहीं आएगी, उसकी ऑर्गेनिक या प्योरनेस या उसकी नेचुरल उसकी अफादियत कम हो जाएगी। तो उसके अलावा हमारे पास शहद है, दालें हैं, गुड़ है, हमारे पास मेवे वाला गुड़ होता है जो आप लोग बाहर से, बहुत सारे लोग मेरे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं लेके जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बहुत दलिये हैं, जौ का दलिया, और अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम म्यूसली जो है इंट्रोड्यूस कराई है, खुद बनाती हूँ। पंजीरी हमारी बहुत एक कैश आइटम है, मैं उसको कैश इसलिए कहती हूँ कि हम उसे वो हमारी बड़ी बिकती भी है, और उसमें अब हम लोगों ने उसको वेरिएशन उसमें बहुत ले आए, अब हम 8 किस्म के सर पंजीरी में आ गए। ये हमारे लिए एक बड़ी नॉवेल्टी की बात है, और हम इसमें प्राउड फील करते हैं कि मेरी वालदा ने जब भी हमने ब्रांड शुरू किया था, तो वो दुनिया मैंने उनकी वीडियो वैसे अवेलेबल है, वो बनाते हुए उनकी हमारे साथ है एक एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि लेट्स इंट्रोड्यूस द पंजीरी बैक टू द सोसाइटी जो कि भूल गए हैं हम, ठीक। तो हमने शुरू किया। अब फिर कीटो डाइट बड़ी पाकिस्तान में आ गई,
मशहूर हो गई दुनिया भर में हुई। तो फिर हमने उसको कोकोनट ऑयल में देसी घी की बजाय, ऑल्दो के देसी घी उसमें अलाउड होता है, लेकिन फिर हमने उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को, फूड न्यूट्रिशन जो हमारे साथ कुछ ऑन बोर्ड थे जिनकी तालीम इसमें है, फिर हमने उसके साथ उसमें हमने कीटो डाइट के मुताबिक उसको बनाया, फिर हमने शुगर फ्री पंजीरी बनाया। सही, ये हमारी नानी दादी और हमारी नानी और मेरी वालदा और मेरी सास के लिए और बाकी बुजुर्गों के लिए बड़ी एक हैरानकुन बात थी कि पंजीरी और शुगर फ्री ये कैसे हो सकता है, इट हैज टू हैव शुगर इन इट। बट वी सही, नो दैट कि आजकल लड़कियों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी डायबिटीज वो जीडी कहते हैं वो हो जाती है, उससे बचाव क्यों अगर वो फेस कर रही है और उसने इमीडिएटली कोई डायबिटिक पेशेंट है कोई खातून है तो हम उसमें वो दवाइयाँ उनके मुताबिक मिक्स एंड मैच करते हैं। और ठीक, उसमें हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो चिया सीड्स के साथ हमने पंजीरी बनाई है, हमने फ्लैक्स सीड के साथ पंजीरी बनाई है जो कि हमारे जो तबका है उसके मुताबिक। सो आप ये समझ लें कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो बाजरे का आटा या जौ का आटा या जौ का दलिया ये चीजें आपको हमारे पास से मिलेंगी एंड दे आर प्योर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है और कोई एडिशन नहीं है। और जो हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो पंजीरी है, उसके अलावा साग और मकई की रोटी है, उसके अलावा अचार है, सही, और इसके अलावा हमारा एक स्पेशल आटा है जो कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को भी और जो लोग डाइट पे हैं उसको कहते हैं, वो 7 ग्रेन्स आटा है, उसके अंदर हम एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं और वो आपके वाली बात पे उसका पेड़ा हम उनको बताते हैं कि आपने 100 ग्राम का नहीं लेना, वो आपने 25 to 30 ग्राम का पेड़ा बना के उसको करना है एंड देन इट विल गिव यू दैट नरिशमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। सो हम लोग ये कर रहे हैं। और दूध हमारे पास बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि वही वाली बात की सप्लाई चेन हम मेंटेन नहीं कर सकते, पाकिस्तान में सहूलियात दूध की नहीं है, लेकिन दूध से बनी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं इस वक्त वो मक्खन है, प्योर मक्खन, वो जो आप साग मकई की रोटी के ऊपर रख के खाते हैं, सही और दूसरा हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट जो है वो देसी घी है, सही, गाय का भी और भैंस का भी। तो ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, इसमें बहुत चीजें हैं, मैं ले आप सकती बिल्कुल, हूँ। ये तो मुझे अंदाजा है। बात वही आ जाती है कि मेन चीज है प्रेजेंटेशन, तो बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, रियलिटी में क्या वाकई उनके पास वो प्रोडक्ट होती है, वो मसला। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा तो वैसे ही मीडिया से ताल्लुक है और हमें अंदाजा है कि किसी ब्रांड को कैसे आप ऊपर लेके जाते हैं, कैसे नीचे लेके जाते हैं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है। लेकिन मुझे ये खुशी ये हो रही है कि आप जो काम कर रही हैं वो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली हमारे मुल्क की एक समझ लें पुरानी, जो पुराने जमाने में जिसे कहते थे हेल्थी ईटिंग कह लो, या ऐसी चीजें थी। आजकल तो मॉडर्न अमूमन तो बाबा शायद इस बात को पसंद न करे, आप जैसे लोगों को तो बर्गर बेबी कहा जाता है, हमारा मैं नहीं आता। सो कहने का मतलब यह है कि नेचुरल फूड की तरफ तो पूरी दुनिया में, रियलिटी में यहाँ पे भी है। ये जो एक मल्टीनेशनल ने, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, इन्होंने एक तरह से ये जगह काबू कर ली थी। बीच में कभी बहुत तरह की फ्रेंचाइज निकलाती थी तो नेचुरल फूड से लोग पीछे हट रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे लोगों को अंदाजा हुआ है कि नेचुरल फूड इज द बेस्ट वे। बाकी आगे आगे फ्लेवरिंग की बात, जैसे अभी आपने कहा कि शुगर फ्री पनीरी थोड़ी सी सुनने वालों को शायद ऑड लगती है, लेकिन अगर है तो कोई ऐसा मसला नहीं, उसकी डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि हमने सोचा हुआ कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ एक ये था कि ऑब्वियसली इसको करने के लिए आपको कोई मिलावट नहीं करनी, आपको बहुत सारी चीजें प्योरीफाई रखनी है, तो क्या आप वाकई कॉस्ट इफेक्टिव हैं, या आप एक सर्टन मार्केट के लिए ये बिजनेस कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान में आपको अच्छी तरह पता है कुछ लोग, दे आर अल्लाह ने उनको कंफर्टेबल बनाया है, वो लोग आसानी से इस तरह की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी जो वर्किंग क्लास है वो अगर खुद गांव में बैठे हुए लोग शायद नेचुरल फूड खा रहे हो, ये उनका एक अपना तरीका हो, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है या अभी आप नहीं कर सकती कॉस्ट इफेक्टिव, और ये एक सर्टन जो कॉन्शियस लोग हैं ये उन्हीं के लिए बिजनेस है। सर इसमें बड़ा हम इसको कैटेगरी दो हिस्सों में कर लेंगे। पहली बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हर चीज होती है तो वो चल रही होती है, मैं आज ना कर रही होती अगर वो मेरे लिए फायदेमंद ना होती, तो सही पहला सवाल तो यहाँ से ही आ जाता है कि यस इट इज।
दूसरा सर बात ये कि एक हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कोरोना से पहले की सिचुएशन जरा फर्क थी और कोरोना के बाद अब इस वक्त जरा था क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की नीचे गई हुई है, तो उसको हम ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये कोरोना से पहले की, मैं आपको पहले बता रही ठीक कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्राफ है, इट्स अ अपवर्ड ट्रेंड बट ऑब्वियसली सीजनल क्योंकि हमारी प्रोडक्ट सीजनल है, हमारी खेती बाड़ी ऑब्वियसली आपकी फसलों के टाइमिंग्स हैं, तो जब जैसे जैसे हमारे सीजन चेंज होते हैं और छुट्टियां आती हैं गर्मियों की, जब लोग खाने पीने के लिहाज से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उन दिनों में थोड़ा सा आता है डिप आता है, बट इट्स नॉट दैट बिग अ डिप कि आप उसको अफोर्ड ना कर सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा अच्छा बिजनेस मॉडल है और मुझे ये बताते हुए फख्र महसूस होता है कि इस कदर अच्छा है रिस्पॉन्स कि मुझे बहुत सारे लोगों ने क्लाइंट्स ने भी कहा कि हमें आपसे मंगवाना पड़ता है या डिलीवरी आती है घर पे या हमें एक दिन इंतजार करना पड़ता है या दो दिन करना पड़ता है आइटम्स के लिए, तो आप इसको हमें बड़े बड़े जो हाइपर मार्केट से स्टोर है वहां पर रखवा दीजिए, ठीक जो कि मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज हो सकती थी, लेकिन सर हमने इसको नहीं किया बिकॉज एक तो हम मार्केट की वो बड़ी डिमांड पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इसका एक एक ग्रोथ एक मिनिमाइज होती है, एक आपकी आप प्रोडक्शन में नहीं होते हैं तो बल्क प्रोडक्शन में नहीं होते हैं, तो एक तो वो बात, दूसरा ये कि हम इन्हीं इसी वजह वजूहत की वजह से कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो हम कंट्रोल रखें और हमारी जो बल्क परचेजिंग है किसी भी तरह जैसे पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए या हम सप्लाई चेन के अंदर कुछ जाते हैं तो उसका अफेक्ट हमारे एंड कंज्यूमर पे ना पड़े, इसलिए हम उसको बड़ा पर्सनलाइज रखते हैं और उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करते हैं। तो अब कोरोना के अंदर हुआ है कि डेफिनेटली लोग खा भी रहे हैं क्योंकि लोगों की जैसे तबियत खराब होती है या लोग ज्यादा कॉन्शियस हुए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उन्होंने अपने बच्चों को उनको खिलाना शुरू किया देसी मुर्गी यखनी देसी अंडे, जब सर्दियां थी अगर आपको गर्मियां हैं तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली उनके नेचुरली वो कम मुर्गियां लेकर होती है और खाने के लिए भी थोड़ा उसको पहुंचाने के लिए उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो बहुत सारी चीजें इसमें भी आई हैं, लेकिन लोगों की ओवरऑल जो कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग है वो थोड़ी सी नीचे गई है, बट वो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या मैं कहूँगी कि हम पहले ही बहुत ज्यादा मार्जिन था, हम मार्जिन रिड्यूस हुआ है अगर फर्क करेंगे, पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं 15% या 20% पर काम कर रहे थे, तो आप उसमें 5% अब डिक्रीज कर लें या 7% अब डिक्रीज कर लें, हाफ एंड हाफ का भी तकरीबन फर्क पड़ गया है, लेकिन आई स्टिल वोंट से ये कोई बैड बिजनेस मॉडल है अभी भी क्योंकि हर बिजनेस पे टेस्टिंग टाइम है। बिल्कुल सही, नहीं वो बात तो नंबर की एंट्री हो जाती है ना, जाहिर बात है डिमांड वाली बात है ना, आपके पास कितना बना सकते हैं वो समझ गया, मेरा सब सवाल यही था कि वो इतना इफेक्टिव है कि हर बंदा खरीद सकता है, कुछ लोगों की बाइंग पावर इतनी तगड़ी नहीं होती आपको अंदाजा है, तो मैंने थोड़ा सा उसको टच करने की, बाबा आपके जहन में कोई सवाल था आप बेशक आइए। तो जी बिल्कुल, आपने बड़ी मजेदार एक बात की कि एक ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा है कि जहाँ पे हम कन्वीनियंस फूड की तरफ हमारा शिफ्ट होता गया हमारी पूरी सोसाइटी का, हम लोगों ने क्योंकि आप किसी बर्गर शॉप पे मैकडोनल्ड्स पे KFC पे जाके आपको बहुत सारी एक जो मिलती हैं, आपको ये गारंटी होती है कि जी आपका खाना एक खास स्टैंडर्ड का होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, दूसरी आपको ये होती है कि जी बड़ा साफ सुथरा माहौल होगा जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, जहाँ पे आपको सर्व करेंगे, और तीसरी आपको ये कन्वीनियंस होती है कि आपको वो बड़े अच्छे बॉक्स में डाल के पैक करके वो आपको देते हैं, चौथी आपको एक कन्वीनियंस होती है कि आपको सारी तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ता, जो आपको यू नो दूसरे घर में अगर कोई चीज़ लेके आनी है तो लहदा लहदा आइटम्स लेके आनी है, फिर उनको जाके खरीदना है, फिर पकाना है, इकट्ठा करना है, तो ये जो पूरा एक ट्रेंड आया है हमारा, एक शिफ्ट आया है हेल्थी फूड से जो है वो दूसरी तरफ जो हम शिफ्ट हुए मेरी राय में, उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि एक पैकेज ऑफ कन्वीनियंस हमें ऑफर किया गया है जिसकी वजह से बहुत सारी आसानियां क्वालिटी की इंश्योरेंस एंड सो ऑन वो हमें ऑफर की जाती है, जिसकी वजह से हम उस तरफ हमारी डायरेक्शन होती गई। कम अज कम मैं आपके बिजनेस में जो जो मुझे नजर आ रहा है और आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करें कि कोई ना कोई आपने भी ऐसा ही मॉडल अप्लाई किया कि जहाँ पे वो पुरानी चीज़ें जो जो अब हमारे लिए घरों में पंजीरी बनाना या इस तरह की चीज़ें बनाना कन्वीनियंट नहीं रहा, तो आपने कोई ऐसी कन्वीनियंस रीइंट्रोड्यूस कर दी है अपनी पुरानी हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ, जिसकी वजह से लोगों ने आपकी तरफ रुझू करना शुरू किया है,
वो क्या कर रही हैं आप, क्यों ऐसा है कि वो हमारी, क्या कन्वीनियंस आपने ऐसी ऑफर की है कि जिसकी वजह से अब लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि यार बाहर जाके बर्गर खाने की बजाय आपकी प्रोडक्ट्स में उनको मंगवा लिया जाए और उनको इस्तेमाल किया जाए। मैं आपको बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे होगी बात ये कि कोई ना कोई कन्वीनियंस उनको जरूर मिल रही होगी। बाबर मैं आपको, मुझे आप बात कर रहे थे तो मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स की बातें और बहुत सारे अपने तजुर्बात आ रहे थे जो कि बड़े प्लेजेंट है एंड बड़े मजेदार। अब पंजीरी की तो मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी, बहुत सारी खवातीन फोन करके मुझे अपनी वालदा से बात कराती हैं कि पहले बच्चे की दफा या वालदा खुद पंजीरी कमर की दर्द में, कमर का से एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि अगर हम उसमें कुछ चीजें उमेट करके कमर का सिर्फ दे तो वो इवन मर्द हजरात भी और खवातीन और जिनके घुटनों में किसी के दर्द होती है कमर में तो वो उनके लिए अच्छा होता है। ये मैं सिर्फ जो लोग लिसनर्स हैं उनको बता रही हूँ, पंजीरी सिर्फ एक पोस्ट प्रेगनेंसी चीज नहीं है ये, बल्कि उनको कुछ चीजें ओमिट कर दी जाए तो वो एक वैसे भी एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल गजा है। तो उसमें बहुत सारी खवातीन का फोन आता है कि जी अम्मी पहले तो कर लेती थी पर अब अम्मी से हो नहीं पा रहा, या अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, या अम्मी हज पे गई नहीं है तो आप अम्मी को पहले तसल्ली दें और हमें करवाएं। तो वो कन्वीनियंस की बात आ गई कि वालदा ने अब अपने कन्वीनियंस हमारे पे छोड़ दी है एंड दे ट्रस्ट अस कि हम वो कन्वीनियंस जो है वो उसको डिलीवर भी करेंगे। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह वी रिसीव दोस कॉल्स के इट वाज अप टू देयर स्टैंडर्ड, इट वाज बियॉन्ड देयर स्टैंडर्ड एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक दिस। और वो आंटियों से अब हमारी मैं उन वो मेरी अब सहेलियां बन गई हैं बहुत सारी मेरी कस्टमर्स की माएँ, क्योंकि वो कहती है कि उधर को लो पूछ लो पंजाबी में कि उससे पूछ लें कि शायद उसके पास ये होगी इसकी चीज़ या इंग्रेडिएंट होगा। दूसरा बाबर कन्वीनियंस की बात है कि अनफॉर्चुनेटली वेयर वी हैव टर्न बैक टू बेसिक्स जो आपने बात की मलिक साहब ने कि हम वापस जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स की जगह या कोई और चीज़ें माशरे में बर्गरों से निकल के हम थोड़ा वापस जा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन। उसमें एक बहुत बड़ी ये भी बात है कि हम पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र की बच्चियों और हमारे से जो अब यंग जनरेशन है उनको दालों की कैटेगराइजेशन भी अनफॉर्चुनेटली नहीं पता कि वो काली दाल वो हम लोग कलर्स के साथ उनको करते हैं। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एंजॉय दोस कॉल्स, मैं बिल्कुल उस पर वो नहीं उनका विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बहुत सारी दफ़ा मुझे ऐसी कॉल्स आती हैं क्योंकि हमें वो येलो या ऑरेंज दाल चाहिए है और मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा आपको वो छिलके वाली चाहिए, वो तो बेसिकली वो भी कन्वीनियंस है। फिर देसी मुर्गी की बात आ जाती है, वो कहती है मैं धो नहीं सकती इसको उसमें ब्लड होता है, तो हम उनको ऑल्दो कि वी डू नॉट गिव देम वॉश चिकन जैसे स्लॉटर होता है, हम फ्रेश चिकन उसको फ्रोजन भी नहीं होता वो विद इन 2 आवर्स उसके घर पहुँचता है डोर स्टेप पे, बट वी वॉश फॉर देम। अगर कई ऐसी खवातीन होती है उनको ये नहीं पता, बाबर अंडरस्टैंड करते हैं और आप भी सर अंडरस्टैंड करते होंगे कि एक देसी मुर्गी में से आप उसके 24 पीस कढ़ाई के नहीं निकाल सकते, वो देसी मुर्गी में कुछ नहीं बचेगा अगर आप उसके 24 कट्स कर देंगे। सो देन वी हैव टू टेल देम ये उनकी कन्वीनियंस, वो ब्रॉयलर के साथ उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि बच्चों के लिए, देन वी हैव टू टेल देम एंड देन आई ऑफर एडिशनल सर्विसेज विदाउट एनी सर्विस चार्जेस फॉर दैट, इट्स जस्ट गुडविल कि हम उस कन्वीनियंस के ही ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर हमारी क्लाइंट बेस है जो बाबर ने कही है कि हम उनको धोखे भी देते हैं कि वी विल डू इट फॉर योरसेल्फ, आप अपनी वालदा के घर ना भेजें उसको धोने के लिए, हम धो देंगे आपको और एट द सेम टाइम इसका इतने पीसेस हो गए तो आपके लिए फायदेमंद है, इतने नहीं होंगे तो फायदेमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह दे लिसन टू अस। तो वो कन्वीनियंस इवन देसी चिकन के पीसेस में भी आ जाती है बाबर जो आप बात कर रहे हैं, और इवन दाल के कलर में भी आ जाती है कि समटाइम्स जो उन्होंने अब जब वो घर पर आती हैं तो उनको नहीं पता होता कि जो हमने काली दाल खाई थी और जो ब्राउन दाल खाई थी वो क्या चीज़ है, तो साबित माश होती है और एक साबित मसर है, तो वो उसके अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो हम उसमें वहाँ कन्वीनियंस पैदा करते हैं रील दिखा के और उसके अंदर हम उसको दिखाते हैं। जी अच्छा नहीं ये बड़ी जबरदस्त बात की। अच्छा जो आपकी सारी गुफ्तगू से ये तो मुझे अंदाजा हो गया कि आपकी जो अपनी प्रोडक्ट है उस पर आप मेहनत करती हैं और ऑब्वियसली इस काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल कि आप अपने क्लाइंटेल को बिल्कुल सेटिस्फाई करती हैं कि भी जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं और इसको यूजेज के लिए ऑब्वियसली आपने उसके साथ जैसे आपने अर्ली ऑन कहा कि आपने एक्सपर्ट भी उनकी एडवाइजरी भी आपके साथ होती है, यही कि आप आपकी वालदा ने कह दिया तो हो गया, ऑब्वियसली बेशक
बेशक उनका इनिशियल आइडिया होगा, लेकिन आपने उसको प्रोफेशनल वैल्यू हर चीज को काम करके वो मुझे समझ आ गई। और यही एक किसी भी प्रोडक्ट की क्या कहते हैं अच्छाई होती है कि जो बंदे उसको बेच रहे हैं उसको कम से कम अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में पता है। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में वैसे ही एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग हेल्थी ईटिंग की तरफ जाएं। सो ये बिल्कुल एक जबरदस्त मॉडल है, क्योंकि हमारे बिल्कुल आखिरी 10 मिनट रह गए हैं। ऑब्वियसली आगे आने वाले दिनों में भी हम प्रोग्राम करेंगे, तो इसको रोकते हुए मैं क्योंकि आगे हम बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, हमारा बनता है कि हमारे जितने भी नया दिन के व्यूअर्स बताएं कि पाकिस्तान में माशाल्लाह आप जैसी खातून और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके पास आइडिया अच्छा है और लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि उनको हेल्थी खाना है, तो बिल्कुल वहां पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। और जैसे आपने कहा कि कोई रेड टेपिज्म नहीं है, इज ऑल मिथ एक्चुअली। उसमें सिर्फ मेरे जहन में सवाल ये जरूर आया था कि अल्लाह ने आपको कंफर्टेबल रखा है, कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते, तो शायद उनके पास वो चीजें ना हो जो शायद आपके पास है। लेकिन जब मैं अब उस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, वो फिर एक तरफ चली जाएगी बहस, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पास ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। वैसे भी यहाँ पे हाइजीनिकली चीजों को देखा जाता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड होंगे कि जाके पाकिस्तान में, जैसे बाबर ने बहुत सारी हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया, तो इस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, मार्केट इतनी बड़ी है कि बिल्कुल उस पर काम किया जा सकता है। तो आपने मुझे पता लगा है, और बाबर भी मैं से जिक्र कर रहा था क्योंकि आज क्या कहते हैं फायरिंग स्क्वाड पे आप हैं, सो ये सारे सवाल मैं बाबर से कर चुका हूँ। तो आपने जब यूएसएड के लिए काम किया है, एक वो, दूसरा आपने कुछ खवातीन को ट्रेंड भी किया है एज ए कंसल्टेंट, उनको बताया कि आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, वो थोड़ा सा बताएं ताकि हम ये बता सकें कि वो खवातीन जो शायद आप जितनी कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा कम उनकी स्ट्रेंथ है, तो उन लोगों ने कैसे मार्केटिंग की और आपने उनको कैसे हेल्प की, मेरे ख्याल में ये मेरे जहन में सवाल था। जी सर, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक बात मैं आपकी काट रहा हूँ, वो ये काट रहा हूँ कि हमारे यूके में एक कल्चर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए नया होगा। जब किसी को सर कहते हैं ना, तो यू आर एक्चुअली अंडरमाइनिंग योरसेल्फ, हम किसी को सर यहाँ पे नहीं कहते। सो कहते हैं जी व्हाई यू कॉलिंग हिम सर, आप मुझे फहीम के नाम से, मलिक साहब के नाम से बुला सकती हैं, कोई मसला नहीं। मैं वैसे इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक पुरानी साइकोलॉजी थी, हम अक्सर यहाँ पे उसको डिफेंड करते हैं कि भी कोई बड़े छोटे की बात नहीं है, रिस्पेक्ट बंदे की अपनी एक एबिलिटी पे होती है, बाकी आप हमारे कल्चर का ऐसा है, बड़ा लोगों को आप बेशक, लेकिन हम, मुझे आप बेशक सर ना बुलाएं, आप फहीम कहें, मलिक कहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, मैं किसी को सर बुलाता नहीं और ना मैं खुद समझता हूँ कि मुझे सर बुलाया जाए, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सर करके बुलाते हैं, ये जो हमारी एक पिछली कल्चर चला ना उसमें ये सरिज्म जो है उसने बड़ी खराबी की है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा माइंड करता हूँ। जी बोलिए सर, आपकी बोई में बात कहूँगी, आपकी फहीम साहब बड़ी काइंडनेस है कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर हम ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये एक हमारे मुंह से इसलिए भी निकलता है बिकॉज यहाँ पे अगले बंदे को ताजीम हम सिर्फ इसलिए नहीं देते कि दिल से, हम जिस तरह मैं आपके लिए दिल से कह रही हूँ, लेकिन कई दफा आपको सर कहना पड़ता है, तो वो कुछ जिसे कहते हैं उस पर भी हम ऑटो पे लगे हुए, तो लेकिन ये मैंने आपके लिए मोहतरम के तौर पर सर यूज करी थी, तो मोहतरम फहीम साहब मतलब है इसका। अब मुझे फहीम बुलाएं, मैं आपके मुझे फहीम बुला रहे जब फहीम साहब कह लेते हैं। फहीम साहब, जो आपने मेरे से सवाल पूछा है ट्रेनिंग का, यूएसएड के अंदर ट्रेनिंग हो या मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ट्यूजडेक के साथ जो कि इदारा है, बाबर जानते हैं कि ये भी एक टेक्निकल इदारा है जो कि सॉफ्ट ट्रेनिंग और बाकी हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान देते हैं, तो उसके अंडर भी हमने ट्रेनिंग्स की हैं, सोशल जो हमारा है समाजी जो वर्कर्स का अदारा है उसमें भी हमने ट्रेनिंग्स दी हैं, एनजीओज को भी हमने कैपेसिटी बिल्ड किया है ताकि वो आगे ट्रेनिंग्स दे सकें, तो
तो सर ट्रेनिंग्स की जहां तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह यूएसएड का जो अपना मिशन था या किसी भी इंटरनेशनल अदारे के साथ जिस पे हमने काम किया, जो उसका मिशन था, वो तो हमने उसको अचीव किया है। और उसमें अचीवमेंट हम इस तरह मेजर करते हैं कि वो खवातीन आज 10 साल के बाद भी अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं, और हमने जब उनकी फेसबुक पे या किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में उनकी किसी काविश को या उनके स्टॉल को देखते हैं तो खुशी होती है कि ये जो हमने उनको एक लाइन गाइडलाइंस दी थी वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर ये भी खुशी होती है कि चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था या वो किसी बाहर एजेंसी से आया, तो हुकूमत पाकिस्तान ने हम जैसे लोगों को एम्प्लॉय करके या हम जैसे लोगों को उस रास्ते पे ट्रेनिंग के अंदर हायर करके एज ट्रेनर्स, तो वो सही लोगों तक पहुंच गया है। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल सिर्फ ये दूंगी कि एक मुल्तान में हमारा एक यूएसएड के अंदर ये प्रोग्राम था, बाबर भी उसमें डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन ही वाज देयर एज द टीम लीड, हमारे साथ थे। तो वो हमारा हैंडीक्राफ्ट के ऊपर था, और वो खातून जो थी मुल्तान के सबब से हम लोगों ने मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो खवातीन का विंग बना था, साउथ पंजाब वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें से हमने इंटरव्यू करके 15 से 20 खवातीन को सिलेक्ट किया था उस ट्रेनिंग के लिए। ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रेनिंग के अपने बजट्स होते हैं, और उसमें हम कैस्केडिंग करते हैं उसको बारी बारी, एक दो तीन में करते हैं, तो हम उसके स्टेप बाय स्टेप। उन 15 खवातीन में से एक खातून ऐसी थी, और ट्रेनर जो हमारी मेन ट्रेनर थी वो अमेरिकन थी इंटरनेशनल, और वो आई थी फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यूके वालों को और बाकी इंटरनेशनल ऑडियंस को पता है कि फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक मूवमेंट है जिसमें वो फेयर वेजेस के साथ जो ब्रांड्स काम करते हैं उनके साथ वो काम करते हैं, आगे उनको देते हैं। तो उनमें से वो उन्होंने उनके अपने क्लाइंटेल भी करना, तो उन्होंने उनको ट्रेन कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि इस तरह से हम पाकिस्तान में काम दे भी सकते हैं। वो खातून जो थी पहीम साहब, वो बिल्कुल सराइकी बोलती थी, वो उर्दू भी नहीं बोलती थी, बट शी वॉज पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग, और वो अंग्रेजी में ट्रेनिंग इम्पार्ट हो रही थी और मैं उसके साथ बैठी हुई थी। ऑल्दो कि मैं असिस्टेंट ट्रेनर भी थी और मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर एसोसिएट भी थी, लेकिन ये कि एज अ कंसल्टेंट, लेकिन बिकॉज उस औरत को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी था, बिकॉज वो इस कदर खूबसूरत पर्स बनाती थी, क्लचेस बनाती थी, कि क्या गूची और वसाची बनाते होंगे अपने प्लांट्स के ऊपर, जो वो हाथ से नफासत के साथ काम करती थी। तो हमने उसको ट्रेनिंग दी, उसने पूरी ट्रेनिंग हमारे साथ ली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ उस वक्त एसोसिएटेड है। एक और खातून थी, उनकी वर्कर्स को हमने जाके, उनके अगला हमारा मरहला था कि उनकी फैक्ट्रियों में जाके उनको देना था। जो फैक्ट्री का मुराद ये नहीं है, कारखाने जिसको कहते हैं, ये खड़ियां जहाँ पर लगी होती हैं, हमने वहां जाके ट्रेनिंग दी। और वो ये जो वेस्टर्न ब्राइडल ड्रेसेस हैं जिसके ऊपर नेट लगा हुआ होता है और उस पर बीड का काम होता है, वो वहां से डिजाइनर्स, इंग्लिश डिजाइनर्स एंड अमेरिकन डिजाइनर्स एंड फ्रेंच डिजाइनर्स या स्पेनिश पोर्चुगीज डिजाइनर्स, उनके साथ ताल्लुकात थे, रबते थे, उन्होंने ढूंढा था। और वो समीरा का भी इसमें थोड़ा काम था, कि उन्होंने उनको बहुत पहले आहन प्रोजेक्ट एक था जिसका बाबर ने पहले जिक्र भी किया समीरा के अपने प्रोग्राम में, तो उसके अंदर उन्होंने वो उनको ऑलरेडी उनकी मैच मेकिंग हुई भी थी, तो हमने उनको और रिफाइन करके दे स्टार्टेड मेकिंग वो जो ब्लाउजेस के ऊपर जो नेट लगा हुआ होता है या जहां जहां पे उनकी कढ़ाई होती है, वो फाइन मोती वर्क उन्होंने पूरा मुल्तान के सबर्ब से हमने करवाया। सर ट्रेनिंग तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रही है, इस चेंबर के प्लेटफॉर्म से ले लें या अपने पर्सनल से ले लें, और खवातीन इस कदर चाहती हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, या इवन उनके साथ एक तो मैं कहूँगी वो माशाल्लाह काफ़ी ओहदेदार भी हैं हमारी एक चेंबर को, अब वो मुझे बड़ी खुशी है कि वो चला रही हैं, क्योंकि उन जैसी अगर खातून मासूमा उनका नाम है, मासूमा सत्तैन, साउथ पंजाब से ताल्लुक है, उनके कपड़े बर्मिंघम में और आपके लंदन में भी आते हैं, उनकी बुटीक है, और आप वो फैसला साजी में भी हैं हुकूमत में, इसीलिए आसानियां हैं हम लोगों के लिए। वो उस वक्त बड़े खुल के ही उनके हस्बैंड ने बैंक की जॉब सर छोड़ दी, ठीक क्योंकि वो अपनी खातू अपनी वाइफ के साथ आ गए, क्योंकि इस कदर प्रॉफिटेबल बिजनेस था कि ही लेफ्ट हिज करियर टू सपोर्ट हिज वाइफ इन द ब्यूटिफुल वर्क दैट शी वॉज डूइंग। और माशाल्लाह उनकी बेटी ने फॉर्मल एजुकेशन हासिल की है, और हमने यूएसएड के अंदर एक प्रोग्राम था और हमने उस पर स्पाउस एप्रिसिएशन प्रोग्राम था, उसमें हमने उनको भी और कुछ ऐसे हजरात जो स्पाउस नहीं थे, कोई फादर्स थे, कोई बेटे थे, हमने उन मर्दों को भी अप्रिशिएट किया था कि जो उन औरतों के साथ शाना बशाना औरत घर में अचार बनाती है और वो जाके फ्रूट शॉप में उसको या किसी हाइपर मार्केट में उसको प्लेस करके आती है।
हम उन मर्दों को भी बहुत और उन फैमिली मेंबर्स को भी बहुत करते हैं इस ट्रेनिंग्स के अंदर एक्टिविटी। अच्छा बिल्कुल, एक मिनट रह गया है, हम इसको कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह आपसे आगे भी इस पे प्रोग्राम करेंगे। बहुत जबरदस्त बाबर, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो क्योंकि हमारे टाइम ओवर हो रहा है। नहीं, अगर अरिफा आप क्विकली सिर्फ ये बता सके कि किस वो जो औरतें जिनके साथ आप काम करी थी उनकी क्या जरूरत थी ट्रेनिंग की, किस चीज पर ट्रेनिंग आपने उनको दी थी? आमतौर पे ट्रेनिंग तो बड़ा ब्रॉड वर्ड है, आप उनकी जरूरत क्या थी और आपने उनको क्या ट्रेनिंग दी? जी बाबर, उसमें सिंपल जब हम ट्रेनिंग करते हैं जितनी बात बहुत बढ़िया, लेकिन हमारी खवातीन जो है वो बीए एफए के बाद उनकी शादियां हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द वेमेन की, और जो फॉर्मल एजुकेशन हासिल भी की होती है, कई डॉक्टर्स या कई इंजीनियर्स जो हैं वो वापस ड्रेस मेकिंग में या कोई बेकिंग के बिजनेस में आ जाती हैं, तो उनकी उस वाले कारोबार में तरबियत या स्किल नहीं होता। तो हम उनको बुक कीपिंग से लेके ब्रांड मैनेजमेंट से लेके कि ब्रांड को आपने कैसे प्रमोट करना है, उसकी सोशल मीडिया पे आप जैसे तशहीर है वो कैसे करनी है, या उसके अंदर हम उनको ये बताते हैं कि आपने अपनी पर्चियों को गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप प्रोप्राइटर हैं, अगर एक बंदा उसको चला रहा है, अगर दो बंदे चला रहे हैं, तो वो बहुत लोगों को एक शौक होता है कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लें, बट उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसके अंदर कितने उन लोगों को रिटेनर पे लोग रखने पड़ सकते हैं जो कि ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान की FDR की, हम उसके अंदर उनको वो पूरी की पूरी तस्वीर देते थे 1A से लेके Z तक। और जब वो उस लेवल में नेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, हल्का फुल्का उसको सिस्टमेटिक करने के बाद, अब अगर वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार है तो हम उसको उस मार्केट के लिए तैयार करते थे और करते हैं, और फिर हम उनको उस तरह से प्रमोट करने के लिए किन इदारों के साथ उनको रजिस्टर होना चाहिए, जैसे TDP जो पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था उसके साथ उनको होना चाहिए, या नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना चाहिए, तो उसके अंदर हम उनको मुंसलिक कर देते हैं उन इदारों के साथ, या उस हिसाब से उनको इंग्लिश कोर्सेज भी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी देते हैं, ताकि वो दुनिया में अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें, और वो पाकिस्तान के लिए भी मेड इन पाकिस्तान ब्रांड जो है वो एक फख्र का बायस बने, और हम एज ट्रेनर कह सकें कि ये हमारा ब्रांड है जो आज माशाल्लाह से एक जगह पे जाके बेच रहा है, चाहे वो नेशनली चाहे वो इंटरनेशनली। आप बात करते रहे, मैं उतनी देर में हरीफा कमेंट्स पढ़ेंगी वो मैं आपके सामने लाऊंगा, आप बाबर बात करें, आप करें बिल्कुल। जी मैं बस ये कह रहा था कि मुझे मुझे समझ आया कि आपने उनको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन चीज़ों पे भी ट्रेनिंग देने की महारत है आपके पास, और आपने उनको दी, वो आपसे डिमांड करते थे, और वो आपने लिंकेज विद द बायर की ट्रेनिंग भी दी, बेशक वो लोकल बायर था या इंटरनेशनल बायर था, आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं अपने बायर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और आपने जो कुछ रेगुलेटरी इशूज थे जैसे रजिस्टर कराना, चैम्बर के साथ अपने आप को रजिस्टर करा ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकें अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए, खासतौर पर एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो वो भी आपने सारे उनको हेल्प आउट दी। तो बड़ी वाइड रेंज ऑफ ट्रेनिंग आपने, ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल बिजनेस इशूज, वो आपने उन औरतों को ट्रेनिंग दी है। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? तो आप बिल्कुल बता दीजिए। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। एक हम और चीज भी देते, थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी गुड कमेंट्स, मैं साइड बाय साइड कह दूं, बहुत मेहरबानी जिन्होंने अच्छे अल्फाज में और हमारे लिए अच्छी दुआ की है, हमारी दुआ गो रहेगा। जो बाबर ने बात की, बाबर इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग देते हैं जो कि हर कोर्स का हिस्सा होती है, और वो ये होती है, वो वाली आपको याद है कि हम एज ट्रेनर देते हैं कि वो आपने सुनना नहीं है कुछ भी गलत, तो अपने रास्ते पे आपने फोकस रखना है। तो हमारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग ये होती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल, तो हम उस चीज को करते हैं, तो कोई भी दरवाजा खुलता नहीं है जब तक कि आपके अंदर की जो नॉक है वो सही वाली नॉक ना हो। तो अगर हम खुद ही कन्विंस नहीं होंगे तो आगे कैसे आप दरवाजे खोलेंगे। तो हमारी ट्रेनिंग में सॉफ्ट स्किल्स और जो है ना आपका जो एसेंस है, जो रूह का एसेंस है, जो आपकी एक पैशन होती है, अगर आप सिर्फ उसको पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो हेनरी फोर्ड ने कहा है कि नो बिजनेस इज अ गुड बिजनेस जब तक वो सिर्फ पैसा कमाए। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने काम शुरू किया था, आई एम सॉरी सर फहीम साहब के मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल बताना चाहती हूँ, जब मैंने काम शुरू किया था तिजारत का, मैं मर्चेंडाइज थी, इसको मैंने अपनी सर्विसेज की तिजारत की ट्रेनिंग दी,
शुरू की, तो मैं यही कह रही थी ये नबियों का पेशा है, अल्लाह मियाँ हमें सुरखरू करना, ये वो ट्रेनिंग देते हैं, फिर ये खेती बाड़ी का शोभा भी हमारे बड़े बड़े लोगों का शोभा है, फिर हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि वो बाहर नहीं निकली, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन जैसे अच्छे लोगों को इम्प्लॉय किया टू डू तजारत विद, वो शाम जाते थे उनका काफिला लेके। तो सर ये तो बहुत बड़ी हमारे सामने एग्जाम्पल्स हमारे इस्लाम से भी है, फिर वेस्टर्न दुनिया और हमारी दुनिया तो भरी पड़ी है, मतलब राणा लियाकत अली खान ले लें, हमारी शुरू से स्टार्ट कर लें, देन हमारी जो खवातीन है जिनमें बीजीज के नाम से बड़ा मशहूर ब्रांड रहा है पाकिस्तान का, फिल्मों के लिए भी लिबास बनाती हुई है, इसके अलावा बेकिंग के अंदर कोकब ख्वाजा एक मशहूर ब्रांड है कुकिंग में। सो वी फातिमा जिना वॉज अ डेंटिस्ट एंड मतलब शी वॉज जद्दोजहद आजादी में, तो हमारी खवातीन में तो कभी भी कोई नहीं रहा पीछे, तो हम क्यों कर इस चीज को भूल जाते हैं, ये तो ये जज्बा है जो लड़ता है। इसके ऊपर मैं सिर्फ एक शेर कहूंगी जिसके ऊपर मेरी तरबियत हुई है, मेरे वालदैन ने की है, कि चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज रख बुलंद कि बन जाए तो उकाब। सो बेसिकली चिड़िया, ये नहीं कि कोई चिड़ियों का हम कोई कह रहे हैं कि दया कोई सुपीरियर इंपीरियर है और हम कोई उकाब कोई सुपीरियर है, बट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड हाइट्स, नेवर लुक डाउन व्हेन यू आर इन ऑन योर फ्लाइट। तो ये हमारा एक होता है कि आपने किसी भी चीज से घबराना नहीं है, मुखालिफ सिम की हवाई आपको आगे लेके चलती है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त। मैंने प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, नॉर्मली हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आने वाले दिनों में आगे भी, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी तृष्णा रह गई हैं, बहुत सारे सवाल अभी तृष्णा रह गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आगे भी आपको लेके आए। और जिस तरीके से आपने सक्सेस ली है, मेरे ख्याल में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज की जा सकती है। और आपकी सारी बातों से ये मुझे लगा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, काम की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की दिल में हमदर्दी रखते हैं, उनको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए कि हमें वहाँ पे किसी किस्म की रेटेपिज्म नहीं मिलेगा, जो क्लियर हो गया। और इस दफा गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि सब लोग जाके वहाँ पे बिजनेस करें। और मैं आप लोगों की सिर्फ बता दूँ, COVID-19 ने एक जो हमारे पूरे यूके या यूरोप में जो एक मिथ थी कि ये बड़े ही जबरदस्त उनके मॉडल है, दे आर एक्चुअली बैडली एक्सपोज, उनसे वो चीज़ें मैनेज नहीं हुई। यहाँ पे बहुत बड़े क्राइसिस आने वाले हैं, तो देखने में यही लगता है कि लोग अपनी मार्केट को सोर्स आउट करने के लिए जो बिजनेसमैन लोग हैं पाकिस्तान में, हॉर्टिकल्चर से लेके हर फील्ड में माशाल्लाह बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिजनेसमैन को एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। और जितने हाइजीनिक तरीके से अभी सिस्टर ये कह रही थी, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और आइंदा भी हम इस पे लेके आएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करता हूँ। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, बाबर का और अरफा का शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में और इसी तरह के सब्जेक्ट पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।